राजनाथ सिंह गुरुवार को रीवा के मऊगंज पहुंचे। उन्होंने आज देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पक्ष में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं रहा। देश के विकास का चक्का जो मोदी जी के नेतृत्व में घूम रहा है, उसमें ग्रोथ इंजिन की भूमिका मध्य प्रदेश निभा रहा है। राजनाथ सिंह रीवा से सतना के नागौद पहुंचे हैं। यहाँ अगोल मैदान में लोकसभा प्रत्याशी गणेश सिंह के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद रक्षा मंत्री प्रयागराज रवाना होंगे। शायद इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए पहली बार मैं आया हूं। रीवा में कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन शायद इस स्थान पर पहली बार मेरा आना हुआ है। आप लोगों ने स्वागत किया, लेकिन स्वागत और अभिनंदन कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि आज के कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ है। मध्य प्रदेश के बारे में देश के किसी भी कोने में मैं जाता था, लोग ये कहते थे लंबे समय के 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन इस बार चुनाव में मामला डमाडोल है, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन पाई। और ईमानदारी की बात है, मेरे मन में भी यह शंका पैदा हो गई। लेकिन जब मध्य प्रदेश की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के लिए मैं यहां पर आया और यहां से लौटने के बाद हमारी प्रधानमंत्री जी से बात हो रही थी, मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं, भारी भरकम बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और बहनों भाइयों, आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की झोली भर दी विधानसभा के चुनाव में। पिछली बार मैं सिंगरौली सीधी यहां की सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा था तो एक चिंता भी मैंने व्यक्त की। मैंने कहा, 4 महीने पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने वोट डाला है, प्रचार किया है, और 4 महीने के बाद फिर से वोट डालना, प्रचार करना। तो मैंने यह कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव होना चाहिए, एक ही बार में सब निपट जाए, उसके बाद जो है अशेष जो हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव है वह एक बार में हो जाए। 2 बार चुनाव इससे ज्यादा 5 साल में नहीं होना चाहिए।